पटना के बेउर इलाके में एक व्यक्ति को अपराधियों ने गोली मारी। व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों से पूछताछ करने पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और छानबीन करती नजर आई। तस्वीरें बता रही है कि यहां पर कुछ बुरा हुआ है, यानी लगातार दूसरे दिन पटना में एक और गोलीकांड हुआ है। पटना के बेउर में बदमाशों ने नालंदा के तिलवाड़ा निवास अजय शुक्ला की सुबह सुबह गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाश उन्हें 5 गोलियां मारकर फरार हुए। घटना महावीर आरसी कॉलोनी और विष्णुपुरी मोड़ के पास की है, जहां मृतक महावीर कॉलोनी में ही किराए के मकान में रहता था, जो सुबह में मॉर्निंग वॉक करने निकला था। उसी दौरान 3 की संख्या में बदमाशों ने उसे घेर लिया और पहले मारपीट की और इसके बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। आप वहां पे आए नहीं होंगे, मैं वहां गया था घटनास्थल पे, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने देखा उनके घर पे भी हम लोग गए थे। जो अजय है वो बेउर में ही महावीर कॉलोनी है, वहाँ पर किराए के मकान में रहते हैं, शादीशुदा है, नालंदा से बिलोंग करते हैं, 13 में शादी हुई है, बच्चा एक भी नहीं है, गाड़ी एक चलाते हैं भाड़े पे। इनके घर से बहुत सारे ज़मीन के कागजात मिले हैं जो इनके नहीं हैं, हो सकता है ज़मीन का भी धंधा करते हों। लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हम्बल है, बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड तो नहीं है। जो घटनाक्रम हम लोग देखे उससे ये दिखाई दे रहा है कि जो लोग आए हैं उनको ये पहले से पहचान रहे थे। इससे ज्यादा मैं आपको नहीं दिखा बता पाऊंगा, बिकॉज वो सब एविडेंस की बात है। हत्या के पहले युवक ने काफी देर तक हत्यारों से संघर्ष किया, जिसके बाद हत्यारे इस पर भारी पड़ गए और गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हम लोग इनके ऊपर और इनके इकोसिस्टम पे हम लोग रिसर्च करेंगे कि किससे किससे इनका तारतम्य था और उससे केस निकल के आ जाना चाहिए, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस तरह से अभी लगातार हत्या की घटना बढ़ी है, लगातार व्यवसायी जो व्यापारी लोग हैं उनके साथ ये घटनाएं ज़्यादा घट रही है, ऐसे मामले कई दो दर्जन से। ये आपका इंटरप्रिटेशन है, वो घटना घटी उसी के संबंध में पीसी कर रहे हैं, दो डिटेक्शन उसी का पीसी कर। एसएसपी मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का दावा कर रहे हैं। इससे पहले बेहटा में एक स्वर्ण व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 2 मामलों में और गोलीबारी हुई है। किसी भी मामले में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। अब देखना होगा कि पुलिस कितने समय में गिरफ्तारी करती है। पटना से सुजीत कुमार, बिहार तक।